नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, अस्थमा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारी नलियां होती है जो कि बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। जब उन नलियों में स्वेलिंग आ जाती है तब पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और अस्थमा कॉज होता है। पेशेंट जब सांस लेता है तब उसको विसिल के जैसे साउंड आती है, सीटी की जैसे साउंड आने लगती है, उसको कफ फॉर्मेशन होने लगता है। वो थोड़ा सा चलेगा तब उसको हापी आने लगेगी, वो हाँपने लगेगा, उसकी सांस बहुत तेज हो जाएगी। और दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि अस्थमा में बहुत अच्छा असर करती है। मैं आपको कुछ मेडिसिन्स के नेम बताता हूँ जो कि अस्थमा में आप लोग दे सकते हैं या खुद भी ले सकते हैं। आइए, चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मेडिसिन्स के नाम जो अस्थमा में बहुत अच्छा असर करती है। पहली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी मेडिसिन का नाम है स्पॉन्ज या टोस्टा, तीसरी मेडिसिन का नाम है कालीकार, चौथी मेडिसिन का नाम है पल्सरटीला और दोस्तों पांचवी मेडिसिन का नाम है एंटीम टाल्ट। कुछ और मेडिसिन के नाम है दोस्तों जो कि मदर टिंचर फॉर्म में है, तो मैं उन मेडिसिन का भी नाम आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो पहली मेडिसिन का नाम है ब्लैटा ओरिएंटालिस, दूसरी मेडिसिन का नाम है लोबिएला, ये कफ को कम करती है, तीसरी मेडिसिन का नाम है ग्रैंडिएला, ये लंग्स में ब्रीथलेसनेस को ठीक करती है, चौथी मेडिसिन का नाम है पोथोस, ये मोस्टली डस्ट एलर्जी को या एलर्जीज को ठीक करती है, पांचवी मेडिसिन का नाम है एस्पिडोस्पर्मा, ये लंग्स को इम्प्रूव करती है और प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी लोग अपने कमेंट्स जरूर दें।